हेलो गाइस, फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक व्लॉग। और इस बार का जो व्लॉग है ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं आपको घुमाने वाली हूँ लेगोलैंड। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं, तो स्लॉट स्टेशन में उतरकर आप बाय कैब या फिर बस से भी यहाँ आ सकते हैं। वैसे तो लेगोलैंड बहुत बड़ा है, बट यहाँ कौन कौन से ऐसे राइड्स हैं जो आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहेंगे अपने ट्रिप में, और ऐसे कौन कौन से राइड्स हैं जो आप करने से बचें क्योंकि वो उतने अच्छे नहीं हैं, ताकि आप अपना समय बचा सकें और बाकी अदर जो राइड्स हैं वो कर सकें। तो लेगोलैंड आने के पहले कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल नेहाज किचन एंड ट्रैवल ऑन अ बजट में। तो लेगोलैंड की जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 10 to 5, तो आप यहाँ अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock बिल्कुल पहुँच जाइएगा। तो यहाँ आपको कार पार्क करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, काफ़ी बड़ा पार्किंग है जिसकी टिकट आपको यहाँ मिल सकती है। और आने से पहले आप इसका ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि आपको कोई भी राइड्स का जो टाइमिंग है, वेटिंग टाइम, वो आसानी से पता चल जाए। और हो सके तो आप यहाँ वीकडेज में आइएगा, क्योंकि वीकेंड में यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो आपके हर राइड्स में आपका वेटिंग टाइम ज़्यादा मिलेगा। और टिकट बुकिंग के पहले आप गूगल कर लीजिएगा कि एक्सपेक्टेड रश उस दिन कितना है। टिकट आप एडवांस में ऑनलाइन बाय कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आके खरीदेंगे या फिर सेम डे आप ऑनलाइन भी खरीदेंगे तो आपको टिकट के जो रेट हैं वो डबल मिलेंगे। तो सबसे पहले पहुँचने के बाद हम जा रहे हैं वाइकिंग रिवर स्प्लैश, जो कि बहुत ही अच्छा, अमेजिंग है। तो आप एंटर होने के बाद राइट हैंड साइड चल पड़िएगा। मैप आप घर से भी प्रिंट करके ला सकते हैं या फिर यहाँ पर भी मैप अवेलेबल होते हैं। तो हमने ऐप में देखा कि वहाँ 15 मिनट्स का वेटिंग टाइम है, तो हम जल्दी जल्दी वहाँ पर चल पड़े हैं। तो ये जो राइड है ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो ये एक ट्यूब सा होता है जिसमें आप बैठ सकते हैं, और ये 360 डिग्री में भी घूमेगा, जो बहुत ही स्पीड में पानी में घूमता है। सेफ्टी यहाँ काफ़ी अच्छी है, तो आप बिल्कुल डरे बिना यहाँ पर जा सकते हैं। और उसके बाद सेकंड हम चले गए पायरेट्स फॉल में, और यकीन मानिए ये बहुत ही अमेजिंग था। थोड़ा स्कैरी ज़रूर था, बट आपको ये करने में बहुत मज़ा आएगा। बट यहाँ जाने के पहले आपके पास वाटरप्रूफ पोंचू, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ कम्प्लीटली भीग जाएंगे। और वहाँ से निकलने के बाद हमें दिखा लेगो निंजागो राइड, जो कि बहुत ही अच्छा था, बट उसका वेटिंग टाइम था 1 घंटे से ज़्यादा। ये वाला राइड जो देख रहे हैं वो नहीं है, वो अंदर था हॉल में, बट दिल में पत्थर रखते हुए हम वहाँ से निकल गए। और ये जगह है जिसके लिए मैं वेट कर रही थी लेगोलैंड आने का, ये है फ्लाइट ऑफ द स्काई गार्डन। इसका सबसे ज़्यादा वेटिंग टाइम होता है, तो आप सबसे पहले ये चीज़ कवर कर लीजिएगा। और ये एक 5-day शो है जिसका मैं जितना तारीफ करूँ शायद उतना ही कम होगा। और वहाँ से निकल के आपको दिखेगा ये फ्री फॉल, जिसको आप टोटली स्किप कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ठीक है, बट आप यहाँ पर खड़े होकर लाइन पे लगकर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा और आगे निकल जाइएगा। वैसे वहाँ से निकलकर हम आए लेज़र वाले जगह पर। यहाँ पर ये छोटे छोटे टॉडलर्स के लिए भी बहुत सारे राइड्स हैं, तो टॉडलर वाले दुखी ना हो। तो जब हम यहाँ लेज़र के लिए आए, हमें लगा ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। हमें यहाँ लिटरली लग गए 1 घंटे से ज़्यादा, बट जो हमें एक्सपीरियंस हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो आप टोटली अपने ट्रिप में ये वाला जो राइड है ये स्किप कर सकते हैं। फिफ्थ जो था ये था ये हाइड्रास चैलेंज, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपके साथ 5-6 साल के अगर बच्चे हैं तो आप ये राइड कर सकते हैं, उनको शायद मज़ा आएगा, बट बड़ों को ये बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। दिखने में बहुत एक्साइटिंग दिख रहा है, बट इसकी स्पीड इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि आपको थ्रिल महसूस हो। और इसके बाद हम जा रहे हैं दिन के 6th राइड पर। जाते जाते हमें यहाँ पर होटल भी देखने को मिला। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप यहाँ होटल में भी स्टे कर सकते हैं, ताकि आप 2 दिन में ये पूरा लेगोलैंड कवर कर सकें। तो जो हमारा 6th था ये था डीप सी एडवेंचर, जो कि है एक सबमरीन। तो मुझे और मेरे बच्चे को इस टाइप का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अंडर सी का ये एक्सपीरियंस है। यहाँ पर लेगोस से कुछ कुछ मॉडल्स भी बनाए गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप ये अपने ट्रिप में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और
वहां से निकलने के बाद हम गए हॉन्टेड हाउस में। ये एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था। 360 डिग्री में पूरा रूम घूम रहा था। हॉन्टेड जरूर था। तो क्यू में खड़े खड़े हमने देखा कि यहाँ ट्रेन भी चल रही है, बट हमें वो ट्रेन में जाने का समय बिल्कुल भी नहीं था। तो एक नए टाइप का हॉन्टेड फील करने के लिए आप ये वाली जगह बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। और उसके साइड में ही होता है एक छोटा सा बोट राइड जो आप स्किप कर सकते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए हम यहाँ शो के लिए रुक गए, जो कि पर्टिकुलर कुछ टाइम पे ही होते हैं, जो आप ऐप में भी देख सकते हैं। तो लेगोलैंड में आप अगर कुछ रेस्टोरेंट खोज रहे हैं खाने के लिए तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियंस के लिए ज़्यादातर कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, और ख़ासकर वेजिटेरियन के लिए। आप घर से ही अपने साथ खाना कैरी करें, क्योंकि आप खाने के लिए जितना देर बैठेंगे आप उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट भी करेंगे। तो आप कुछ ऐसा रखें साथ में जो आप चलते फिरते खा सकें। तो ये एक मियाज राइडिंग था जो कि क्लोज था, जो मुझे करने का मन था। तो बड़ों की काफ़ी सारी राइड्स होने के बाद अब बारी आई थी हमारे बच्चों की। तो उनको ड्राइविंग स्कूल का ये लेगो के कार ज़रूर चलाना था, तो इसका भी बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम होता है। ये इनको ये राइड के बाद लाइसेंस भी मिलता है, तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो आपके साथ अगर 5 के ऊपर के बच्चे हैं आप यहाँ ज़रूर आइएगा। और अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो वो भी दुखी मत हो, उनके लिए भी यहाँ छोटा सा ट्रैक बनाया गया है कार का, जिसमें वो बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ एक फायर एकेडमी भी है। वैसे हम यहाँ नहीं जा पाए, जब हम गए थे यहाँ ये क्लोज हो चुका था। और आप यहाँ पर ये जो हॉट बलून वाला राइड देख रहे हैं, ये हमारे फ्रेंड गए थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 घंटे से ऊपर वेट किया और उसके बाद उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो आप वो चीज़ स्किप कर सकते हैं। तो अब शाम हो चुकी है, हमें जल्दी जल्दी सारी चीज़ें देखनी है। तो यहाँ एक और 4D स्टूडियो है जो कि स्टार्टिंग में ही था। ये सारे शोज़ के टाइमिंग है, आप अपने हिसाब से जाइएगा। तो हमें यहाँ पर लकली स्काई राइडर की जो एंट्री है मिल गई, क्योंकि लास्ट था। तो लास्ट में आप जितना क्यू में खड़े हैं वो उतने लोगों को एंट्री दे देते हैं राइड्स के लिए। तो यहाँ से मिनी लैंड का बहुत ही सुंदर व्यू था। तो आप बोलेंगे मिनी लैंड क्या है? मिनी लैंड एक बहुत ही सुंदर मिनिएचर्स है, सारे यूरोप कंट्रीज एंड इंडिया का भी है उसमें, मैं कहूँ तो अमेरिका भी है, और सारी देश के उसमें छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाए गए हैं। ये देखिए, ये जो जगह है ये आप अपने ट्रिप में सबसे लास्ट में कवर करिएगा, क्योंकि ये ओपन एरिया है और यहाँ पर कोई भी रश नहीं होता है, क्यू नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर एक है वाटर पार्क जो कि बहुत ही अच्छा है, बट हम यहाँ नहीं जा सके क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और क्लोजिंग टाइम भी आ चुका था। छोटे छोटे मिनिएचर्स देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने तो बच्चों के साथ, तो मैं क्या कहूँ, मैं खुद ही भी बहुत इंजॉय कर रही थी। छोटे छोटे ट्रेन्स हैं, बस हैं, और जो चलते भी हैं, पूरा लंदन है इसमें। और ये जो पूरा मिनी लैंड है ये लेगोस से बना हुआ है। Look at the station. It's called Brick Park. इधर से चलते हैं ना? तो अगर लेजर वाले में हमने टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो मुझे ये नाइट किंगडम जाना था, जो कि एक रोलर कोस्टर है। तो लेगोलैंड में एक दिन में सारे राइड्स कवर करना एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। यहाँ बहुत सारे राइड्स थे। ये कुछ टॉप राइड्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है लेगोलैंड से रिलेटेड तो भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।